हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर सी लैंग्वेज में मैंने रिकर्जन का प्रोग्राम बनाया है और इसमें लूप का कहीं यूज नहीं किया है। तो ये प्रोग्राम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का है और देखिए इसमें लूप नहीं यूज हुआ है। और यहाँ से चलिए इसको एक बार कंपाइल करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये प्रोग्राम हमारा अगर कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब यहाँ से इसको रन करवा लेते हैं। तो रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आ रहा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें कहीं भी लूप का यूज नहीं है। आप देख लीजिए पूरा प्रोग्राम, यहां पर हमने लूप नहीं यूज किया है। तो यही खास बात होती है, अगर कोई प्रोग्राम रिकर्जन से बना हुआ है तो उसमें लूप का यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है।